है मिनी इन्वर्टर, इसको बोल सकते हैं, बैकअप एलईडी है। चलिए आपको हम एक डेमो दिखाते हैं। ये डार्क रूम है, रूम में लगाने के बाद क्या ब्राइटनेस मिलती है एसी और डीसी पे, वो आपको हम दिखाते हैं। 1800 mAh वाली आप लेंगे जो अभी फ़िलहाल आप सामने देख रहे हैं, ये आपको 350 rupees में मिलेगा। रॉ मटेरियल आपको मिनिमम आपको 50 पीस लेना होगा। हाल फिलहाल दे रहे हैं 50 पीस, उसके बाद 100 पीस से कम नहीं मिलेगा। ये देखिए इसकी ब्राइटनेस क्या है, ये एनफ है। अगर एक आपका हॉल बेडरूम या किचन है उसके लिए एनफ है। आप मान के चले एक बेडरूम में लगा लिए, एक किचन में लगा लिए, एक हॉल में लगा लिए, 3 bulb लगा लिए, आपको कितना कॉस्ट आया वही आया ना, नियर अबाउट 1000। 1000 rupees में आपका घर, आपके घर में इन्वर्टर की ज़रूरत है ही नहीं, क्या चाहिए। वेलकम टू माई चैनल, आज हम आपको एक नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये है मिनी इन्वर्टर, इसको बोल सकते हैं, बैकअप एलईडी है। मान ले कि आपके शॉप पर या घर में या ऑफिस में या जहां भी आपके पास इन्वर्टर नहीं है और इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट भी उतनी ना हो, ज़रूरत भी ना हो, पावर 5-10 या आधा 20 मिनट के लिए जाती हो या 1 घंटे के लिए लाइट ना हो, उसके लिए आप ये बैकअप एलईडी लगा सकते हैं। ये आपको सिर्फ 350 rupees में मिलेगा, ठीक है। इसमें देखिए 9 W का बल्ब है ये और 1800 mAh की बैटरी है और 2000 mAh की भी है, दोनों के रेट में 25 rupees का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें ख़ास बात ये है कि अगर आपको ज़्यादा ब्राइटनेस की रिक्वायरमेंट ना हो तो आप अलग अलग मोड पे इसको रख सकते हैं। मोड 1 पे आपको जब एसी से डीसी मोड पे आता है तो ये बात जो जेन्युइन बात है, वो एसी से डीसी पे जब आता है थोड़ा सा ब्राइटनेस कम होती है, चाहे कोई भी हो, तो मान के चले 75-80% ब्राइटनेस रहेगी पहले मोड पे, और दूसरे मोड पे 50% और तीसरे मोड पे 25% से लेकर 30% मान के चल सकते हैं। तो ये है कि अगर आप तीसरे या दूसरे मोड पे रखते हैं तो आपका बैकअप बढ़ जाएगा। अगर पहले मोड पे है तो ये मान के चले आपको 3 घंटे का बैकअप मिलेगा, और दूसरे मोड पे है तो मान के चले 4-5 घंटे, और अगर तीसरे मोड पे है जिसमें 25-30% ब्राइटनेस रहेगी तो मान के चले 6-7 घंटे या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, मतलब 5 घंटे से प्लस ही मिलेगा आपको, जैसे एक हल्का आपको ब्राइटनेस चाहिए, ठीक है। और ऐसे रेगुलर जैसे आमतौर से आपको लगाना है तो एसी पे, तो ये 9 W का जो एक्चुअल ब्राइटनेस रहता है वही आपको ब्राइटनेस मिलेगी, जैसे नॉर्मल अदर कंपनी का होता है ल्यूमेंस, मतलब ब्राइटनेस, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका हमें ब्राइटनेस की ज़रूरत क्या है और हमें बैकअप की ज़रूरत क्या है, ठीक है, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। और रही बात बल्ब की, बल्ब में जो भी जो बैटरी के अलावा जो चीज़ें यूज हैं, MCPCB, इसका ड्राइवर, इसका डिफ्यूज़र, सारी चीज़ें जो है एक रेट की है, उसमें कोई क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। और बैटरी जो है वो भी एक्चुअल 1800 mAh की है, ऐसा ना किसी बोलने का। आप हमसे रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि वो एक्चुअल है या फेक है। और 1800 mAh ये कि थोड़ा सा 25 रुपये आपको सस्ता मिलेगा, 2000 mAh आपको 25 रुपये महंगा मिलेगा। मान लीजिए 2000 mAh वाली आप लेंगे 375 का मिलेगा, और 1800 mAh वाली आप लेंगे जो अभी फ़िलहाल आप सामने देख रहे हैं, ये आपको 350 rupees में मिलेगा। बाकी आप अगर होलसेल पर्पज़ से लेते हैं तो उसका अलग रेट होगा, उसमें आपको क्वांटिटी लेनी होगी। रॉ मटेरियल लेते हैं उसका अलग रेट होगा। रॉ मटेरियल आपको मिनिमम आपको 50 पीस लेना होगा, अदरवाइज इससे कम नहीं देते हैं रॉ मटेरियल असेंबल करने के लिए। अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल दे रहे हैं 50 पीस, के बाद 100 पीस से कम नहीं मिलेगा रॉ मटेरियल, उसका रेट अलग होगा। होलसेल के लिए क्वांटिटी में लेंगे उसका रेट अलग होगा, और रिटेल का रेट तो है 350 rupees में, आप सिंगल पीस भी ले सकते हैं। चलिए आपको हम एक डेमो दिखाते हैं। ये डार्क रूम है,
रूम में लगाने के बाद क्या ब्राइटनेस मिलती है एसी और डीसी पे, वो आपको हम दिखाते हैं, या हम ऐसे ही मैन्युअली आपको दिखा देते हैं करंट पास करके क्या ब्राइटनेस है इसका। ये देखिए इसकी ब्राइटनेस क्या है, देखिए ये हमने करंट पास किया है इससे तो ये ब्राइटनेस है। अगर सही तरीके से ये होल्डर में फिट होता है तो उसकी क्या ब्राइटनेस होगी आप अजीम कर सकते हैं। आप इसको ये हटाइए, जो आप हटा कर एक बार तो दिखाइए, हाँ अब फिर लगा कर दिखाइए, ऐसा ना लगे कि हम फेक दिखा रहे हैं। देख लीजिए आप, ये एक्चुअल इसकी ब्राइटनेस है, एक बार दोबारा देखिए, ये एनफ है। अगर एक आपका हॉल बेडरूम या किचन है उसके लिए एनफ है, अगर फार्म हाउस हो या ऐसा आपका रिसोर्ट वगैरह हो उसके लिए तो बेस्ट है, आपको इन्वर्टर की ज़रूरत है ही नहीं। सिर्फ अगर आप क्वांटिटी लेते हैं तो उसका रेट अलग होगा, रिटेल। अब आप अगर घर में आप मान के चले एक बेडरूम में लगा लिए, किचन में लगा लिए, एक हॉल में लगा लिए, तीन बल्ब लगा लिए, आपको कितना कॉस्ट आया, वही आया ना नियर अबाउट 1000, 1000 रुपये में आपका घर, आपके घर में इन्वर्टर की ज़रूरत है ही नहीं, क्या चाहिए आपको। चलिए ठीक है, आपको हम एसी पे लगा के दिखाते हैं क्या इसकी ब्राइटनेस है। हाँ ये देखिए, अभी हम आपको एसी मोड पे दिखाते हैं क्या इसकी ब्राइटनेस है। तो आप ऑन करें बटन, ये देखिए ये हमारा पहला मोड है, ये 9 वाट का एक्चुअल ब्राइटनेस है एसी मोड पे डायरेक्ट करंट पे, मतलब फुल ब्राइटनेस, फुल लुमेंस, बढ़िया क्वालिटी का है। ओके फ्रेंड, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है जो भी क्वांटिटी होगी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप अपने हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए या बिजनेस पर्पज़ या आपको जो भी करना है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप एक दो बल्ब लेकर पहले यूज़ करें, एक दो महीने इसका रिस्पांस देखें, उसके बाद हमें मेजर क्वांटिटी का ऑर्डर दें, या आप अगर खुद असेंबल करना है आपको हमसे रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं, तो आप खुद असेंबल करके भी इसको सेल कर सकते हैं। ओके थैंक यू, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी वीडियो, आगे भी आपको वीडियो चाहिए तो इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें और लाइक करें मोर रीच के लिए, थैंक यू।